तो ठीक है तो प्लाजा फिर ऑर्गेनिक में तो रेडी लीजिएगा आप लोग। पिछले बार तुम क्या बोल रहे थे आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस यही ना, तो अभी रेडी लीजिएगा सॉरी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन लिखा आप लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखिएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कोई भी एडिशन रिएक्शन वहां होगा जहां आपका कोई भी कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड यदि वह अनसैचुरेटेड नॉन पोलर है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, यदि वह अनसैचुरेटेड पोलर है देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक, यहां पूछेंगे पोलर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा फिर से देखो लिखा क्या है न्यूक्लियोफिलिक ना मीन्स जो फर्स्ट अटैक होगा वो न्यूक्लियोफाइल का होगा, जो फर्स्ट अटैक होगा वो न्यूक्लियोफाइल का होगा देन फॉलो बाय इलेक्ट्रोफाइल। यदि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो जो फर्स्ट अटैक होता इलेक्ट्रोफाइल का होता, यदि वो फ्री रेडिकल एडिशन होता जो फर्स्ट अटैक होता वो फ्री रेडिकल का, जैसा आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा एंटी मार्कर का। लिखिएगा फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फॉलो बाय अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉलो बाई अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जैसे देखो तो फर्स्ट अटैक किसका है भैया न्यूक्लियोफाइल का, देन अटैक किसका होगा इलेक्ट्रोफाइल का। देख लीजिएगा ये सच रिएक्शन आर सोन, इस टाइप का जो रिएक्शन शो करेगा लिखेगा सच टाइप ऑफ रिएक्शन सोन बाय कार्बोनिल कंपाउंड। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड से आपका एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे भैया कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोला जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन। लिख लीजिएगा कि कार्बोनिल मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोनिल मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो भैया फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना, देख लो भाई तो फर्स्ट अटैक किसका होगा न्यूक्लियोफाइल का, फिर फॉलो बाय इलेक्ट्रोफाइल और सच टाइप ऑफ रिएक्शन सोन बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स, और कार्बोनिल कंपाउंड्स मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसा आप देखो अब कुछ कंफ्यूज एल्डिहाइड कैसे होगा ये देखिए ये आपका एल्डिहाइड हो गया और इसी का भी हम ऐसे लिखे दैट इज कीटोन, आप ऐसे पहचान लीजिएगा
यदि दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन, सिर्फ एक साइड अल्काइल ग्रुप है एक साइड हाइड्रोजन है देन एल्डिहाइड, देन एल्डिहाइड, बोलो भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है कि अगर हम देखो ऐसे ले लेते हैं कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, क्या ले लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, और हमने कहा कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक किसका होगा न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट बना मान लेते इस पर अटैक किसका होगा इलेक्ट्रोफाइल, प्रोडक्ट क्या बोलते हैं डी। देखिए हम कैसे फील करेंगे भाई कि क्यों न्यूक्लियोफाइल का ही अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का क्यों अटैक नहीं हो रहा है। तो हमने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था टाइप ऑफ रिएजेंट, और उसमें हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में कितने केस पढ़ाए थे याद है आप लोगों को, केस वन केस टू केस थ्री केस फोर केस फाइव केस सिक्स। केस वन में था पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑप्टेट थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड या फिर डी ब्लॉक, सेंट्रल एटम सराउंडेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन नाइट्रीन बेंजाइन फ्री रेडिकल्स। जिसमें फोर्थ था देखिए आपका ये था ना आपका फोर्थ, तो यहां फील कीजिएगा ये कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्या पता करना है, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हम लोग वहां पढ़े थे कि भाई अगर ये माइनस टू होगा तो प्लस टू हो जाएगा, यदि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जो अपने तरफ खींचेगा ढेर पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तीन पे अटैक करेगा न्यूक्लियो पे, अगर न्यूक्लियो पर अटैक करेगा तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ए बनेगा देखिए ए की जगह क्या बनेगा, ए की जगह देखिए आपका न्यूक्लियो फाइल बन जाएगा और सेकेंड है इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाएगा ये यहां पर होगा। ठीक है भाई, या और इसमें देख लीजिए और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो कॉपी में कैसे लिखेंगे वो देखिए, पहले कॉपी कैसे लिखिएगा पहले इतना आप नोट कर लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन ये तो नोट कर लीजिए। तो देखिए पहले रिएक्शन कैसे लिखिएगा, जो पहले अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का तो प्रोडक्ट बनेगा ए, फिर अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्ट क्या बनेगा बी। अब इसके बाद रिएक्शन को लिखिएगा यहां फिर से न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ए की जगह कुछ ऐसे बनेगा ये, और फिर यहां अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे नोट कीजिएगा कॉपी में। ये पहला स्टेप और ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, पहले इतना नोट करिए जो पहला स्टेप में ऐसे ए होगा और उस पर अटैक होगा तो बी बन जाएगा। एग्जाम्पल तो यहाँ देखिए न्यूक्लियोफाइल ऐसे ऐड किया, देखो जैसे इसको यहाँ ऐड करोगे पांच बॉन्ड बनने लगेगा ना, इसलिए जो एक बॉन्ड है वो ऊपर चला जाएगा उसके तरफ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके तरफ चला जाएगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये ऐसे बनेगा, और फिर सेकेंड फॉलो बाय द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। नोट हो गया भाई ये क्वेश्चन में क्या है, अब एक क्वेश्चन लिखिएगा कि इन कार्बोनिल कंपाउंड्स फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बट
सेकेंड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्यों हम क्यों नहीं पहले ही इलेक्ट्रोफाइलाइड कराते हैं बाद में न्यूक्लियोफाइलाइड कराते हैं, ये क्वेश्चन है कि भाई न्यूक्लियोफिल में पहले ये क्वेश्चन है। देखिएगा बीच कार्बन कंपाउंड विल सो न्यूक्लियोफिलिक एडहेशन रिएक्शन विल सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कोई भी कार्बन कंपाउंड वो क्या शो करता है भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट देखिएगा बट दे विल नॉट रिस्पॉन्ड फॉर दे विल नॉट रिस्पॉन्ड फॉर इलेक्ट्रोफाइल वाई। येगा क्वेश्चन वाई इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वाई। ये जो कार्बन कंपाउंड्स है ये भैया क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही शो करता है, ये क्यों नहीं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखिए कि अगर हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराएंगे तो क्या होगा, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा रहे हैं, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल। देखो क्या प्रॉब्लम होगा, यहां पे लोन पेयर है, ये अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल पे, लेकिन इसको यहां बना रहे जो भी यहां अटैक करेगा ये ऐसे बन जाएगा और फिर इस पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, एक्सप्लेन ये करने की भाई आखिर ये क्यों ये प्रोसेस नहीं फॉलो करता, क्योंकि यहां देखिए पोलर है तो निगेटिव चार्ज भी ना है, जब निगेटिव है तो यहां अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, यहां आया अरे से यहां पे आएगा ये इस पर पॉजिटिव आ गया, यहां देखिए कार्बन पे। देखिए रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रोफाइल एड होगा तो जो यहां इंटरमीडिएट बनता है वो इनकम्प्लीट है। देखिए ये जो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा ये इनकम्प्लीट है ना भैया, वैसे देखिए या जो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा वो इनकम्प्लीट हो गया ना इंटरमीडिएट। अब कोई भी रिएक्शन ऐसा पाथ फॉलो नहीं करती जहां पर इंटरमीडिएट इनकम्प्लीट हो, जहां पर इंटरमीडिएट इनकम्प्लीट हो। ठीक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देयर इज अ स्टेट इन विच देखो देयर इज अ स्टेट इन विच ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देयर इज अ स्टेट इन विच, ये देखिए इनकम्प्लीट है ना, देखिएगा इन विच द ऑक्टेट ऑफ कार्बन द ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीट नॉट कंप्लीट सो this path is not followed, so this path is not followed, इसीलिए ये path follow नहीं होता। इसको अच्छे से नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लो भैया फिर से देखो सब लोग कि
these carbonyl compounds will show nucleophilic adhesive reactions, but they will not respond for electrophilic adhesion reactions. Why? क्यों? अब देखो, यदि पहले आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराओगे तो ए बनेगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक कराओगे तो बी बनेगा. जो ए बन रहा है वहां पे कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है. जब इनकम्प्लीट है इसीलिए वहां पे ये फेवरेबल नहीं है. इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देयर इज अ स्टेज इन विच द ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट कम्प्लीट, सो दिस पाथ इज नॉट फॉलो. इसीलिए हम यह पाथ फॉलो नहीं करते. नोट कर लो भाई साहब, लिख लीजिए.